हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मैथ में वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यदि आप भी 2023 में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा studybit.in, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। क्या होता है कि जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। क्या होती है, दो होती है, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दो और तीन के बीच में यदि परिमेय संख्या हम निकालते हैं इसके बीच में, तो कितना हो जाएगा। देखिए, दो दो दशमलव एक भी लिख सकते हैं, दो दशमलव दो, दो दशमलव तीन और डॉट डॉट। यानी इसका मतलब क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि रूट अठारह का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपका रूट अठारह का यदि करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट नौ गुने दो, है ना, यानी रूट अठारह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट नौ का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, तीन, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर रूट दो, यानी रूट अठारह का परिमेयकरण का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, रूट दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट दो, यानी तीन के गुना में रूट दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट दो। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी रूट अठारह का परिमेयकरण गुणांक आपका रूट दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो पी वाई क्यू के रूप में हो। क्या होता है, जो पी वाई क्यू के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, जो रूट में ही हो, जिसका रूट नहीं निकले। तो देखिए, चार प्लस चार तो है परिमेय संख्या, लेकिन इसमें प्लस है रूट तीन, तो रूट तीन क्या आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका नहीं होगा। रूट सात, ये आपका क्या हो जाएगा, रूट सात क्या हो जाएगा आपका, ये अपरिमेय संख्या है। रूट आठ क्या है, रूट आठ का यदि हम निकालेंगे तो चार दूना आठ, यानी दो रूट दो, है ना। तो ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, पाँच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या आपका पाँच हो गया। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस पैंतीस के शून्यंक क्या होगा। क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस पैंतीस के शून्यंक निकालना है, तो इसका गुणनखंड निकालिए पहले, है ना। तो एक्स स्क्वायर गुने पैंतीस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर गुने पैंतीस क्या हो जाता है, पैंतीस एक्स स्क्वायर। अब बारह एक्स को क्या लिखेंगे हम, सात प्लस पाँच तो लिख सकते हैं, सात प्लस पाँच क्या होता है, बारह एक्स होता है, सात एक्स प्लस पाँच एक्स, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सात पंच पैंतीस, यानी पैंतीस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सात एक्स प्लस पाँच एक्स प्लस पैंतीस, है ना। तो यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस सात, प्लस पाँच कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस सात बराबर जीरो, है ना। तो यहाँ पे एक्स प्लस सात और एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, यदि दोनों को बराबर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस सात आ जाएगा और एक्स फिर माइनस पाँच आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों
ऋणात्मक है, माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए रूट 21 को यदि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। 11 क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसका रूट नहीं निकले, इसका तो रूट निकल गया, ये नहीं होगा। और रूट 196 का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। 14 और 14 को गुना करते क्या होता है, 196 होता है। तो ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए रूट 289 को क्या हो जाएगा, 17। तो 17 × 17 क्या होता है, 289, ये भी क्या है, परिमेय संख्या हो गया। जो बच गया रूट 27, तो क्या हो जाएगा आपका, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद 5y² - 25 के शून्यक निकालना है। यदि बहुपद दिया रहे तो इसका शून्यक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5y² - 25 = 0। तो 5y² = क्या हो जाएगा, 25। तो y² = क्या हो जाएगा, 5। फिर y = क्या हो जाएगा, ±√5। तो क्या हो जाएगा आपका, +√5 और -√5। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक निकालना रहे तो √5 - √5। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद मतलब क्या होता है आपका, यानी ax² + bx + c क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहे, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो क्या होता है आपका, x² - α + β (x + α) है ना, = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, α + β क्या आपका 3 है, और α × β क्या है, -40 है। तो क्या हो जाएगा, x² - शून्यकों का योग क्या है, 3 है, तो 3x + यहाँ पे क्या है, α × β - 40 है, यानी मूलों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, -40 = 0। तो अब क्या हो जाएगा, x² - 3x + −40 = 0। तो किस ऑप्शन में है आपका, x² - 3x - 40, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यानी कोई भी द्विघात बहुपद का दिया रहे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - α + β (x + α) = 0 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, x² - 3x - 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त का कोण आपका क्या होता है, समकोण होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। अगला क्वेश्चन है sin² 60° + cos² 60° = क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि sin²θ + cos²θ = 1 होता है। तो थीटा के जगह पर क्या आपका, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin²θ + cos²θ = 1। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।